हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने अमेज़ॉन ऐप में अपने एड्रेस को जो है रिमूव कर रहा था, यानी कि डिलीट कर रहा था। तो यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिमूवल फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से अपना एड्रेस को यहाँ पे रिमूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा एड्रेस है और ये रिमूव का ऑप्शन है। मैं इसे टैप करता हूँ तो ये बार बार जो है रिमूवल फेल्ड बता रहा है, यानी कि मेरा जो एड्रेस है वो मैं अपने अमेज़ॉन ऐप से डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपना अमेज़ॉन ऐप ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना अमेज़ॉन ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे ये सेकंड नंबर पे ये आप देख सकते हैं ये वाला अकाउंट का ऑप्शन, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको योर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में योर एड्रेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एड्रेस जो होगा, ठीक है, अब इसे जो है यहाँ पर करना क्या है कि आपको एक बार फिर से जो है इसे रिमूव के ऑप्शन पे इसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से आपका रिमूवल फेल्ड बताएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, सेट ए डिफरेंट, मैं आपको सॉरी ये बैक करके दिखा देता हूँ, सेट ए डिफरेंट रेजिडेंशियल एड्रेस फॉर योर डिजिटल परचेसेस। ठीक है, इस पर आपको टैप करना है ब्लू कलर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपना एक नया एड्रेस यहाँ पर जो है ऐड कर लेना है, यानी कि आप जो है अपना अगर एड्रेस डिलीट कर रहे हैं तो यानी कि डिलीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक नया एड्रेस ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है अपना नया एड्रेस एक यहाँ पे टाइप कर लेना है और इसे अपडेट कर लेना है। जब आप यहाँ पर अपना न्यू एड्रेस यहाँ पे जो है टाइप कर लेंगे तो इसके बाद आपको अपडेट का ये जो ऑप्शन है इस पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एक न्यू एड्रेस जो आपने बनाया था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, न्यू एड्रेस ऐड हो चुका है। ठीक है, जो आपका ओल्ड एड्रेस है, ठीक है, ओल्ड एड्रेस आपका यहाँ पे नीचे की साइड में होगा। ठीक है, स्क्रॉल कीजिएगा पेज को तो यहाँ पर जो है आपको इसे रिमूव के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, ओल्ड एड्रेस रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव पे सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए कंफर्मेशन डिलीशन का ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेज को ऐसे ऊपर करना है, अब यहाँ पर आपको ये यस का ऑप्शन नज़र आएगा, इसे आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से आपका जो है ये एड्रेस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो आप ओल्ड एड्रेस जो आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो हो जाएगा और जो आपका नया एड्रेस आप टाइप करेंगे वो आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो रिमूवल फील्ड का जो इशू है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस सेटिंग का ज़रूर यूज़ करके देखिएगा।